सो वेलकम बैक टू द नोमैडिक ओडिसी। इट्स लेट इन द इवनिंग टुडे और जस्ट आज XBHP का मीट कंप्लीट करके आया हूँ टू टेक द स्मॉल व्लॉग। द रीज़न इज आई ऑलरेडी होन अ हैरियर। अगर डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा यूट्यूब के, तो मेरे पास हैरियर व्हीकल भी है एंड ज़्यादा अब तक व्लॉग किया नहीं है, बट दो साल के ओनरशिप में नाउ द टायर्स हैव वर्न आउट। इट्स अराउंड 40,000 किलोमीटर्स जो मैंने स्टॉक टायर्स पे गाड़ी चलाई है। सो अभी आई एम जस्ट कम टू द टायर स्टोर दैट इज जस्ट बिलो माई बिल्डिंग। द नेम इज़ राधाकृष्ण टायर्स एंड आई एम अपग्रेडिंग टू द योकोहामा 80 विच इज़ ऑल्सो द R17 टायर्स। अभी काम जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। सो दीज टायर्स हैव कॉस्ट मी अराउंड 12,000 रुपीज, सो मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 48,000 बक्स तक आए। बहुत ढूंढना पड़ा बिकॉज देर वर डिफरेंट रेट्स ऑल ओवर पुणे एंड द लक इज़ दैट आई डिड नॉट सी नियर बाई सोसाइटी शॉप। तो यहाँ पे मुझे अराउंड 1,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है। 1,000 कई मुझे 12,500 भी बोला गया था, पर ट्रैवलिंग में उतना ही मेरा डीजल बर्न आउट होता था। तो दोस्तों भी चांस मिला तो मैं करके ही ले रहा हूँ ये काम। सो द वर्क हैज जस्ट बिगन, जस्ट स्टार्टेड रिमूविंग माई स्टॉक टायर्स विच वाज़ द गुडियर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कम से कम आधा एक घंटा तो लगेगा, थोड़े थोड़े करके कैसे चेंजेस होते हैं और राइड क्वालिटी में फ़र्क कैसे पड़ता है आपको बता दूंगा। ये कंडीशन है मेरे ओल्डर टायर की, आप देख सकते हैं पूरा ट्रेड ख़त्म हो गया है इसका। और लकीली मैंने देख भी लिया, मतलब लॉकडाउन के बाद जब से बाइकिंग स्टार्ट किया तब से कार ज़्यादा बहुत ही कम निकालता हूँ। ये बहुत पहले था सिंस आई स्टार्टेड राइडिंग, तभी मेरे अराउंड 38,000 किलोमीटर हो चुके थे। सो टेक्निकली आई एम वेरी लेट, बट तभी रन बहुत था, अभी स्लो डाउन हुआ है। हार्डली आई राइड फॉर ड्राइव फॉर हार्डली 200 किलोमीटर्स इन मंथ ऑल्सो। सो दिस इज हाउ द ट्रेड लुक्स लाइक फॉर योकोहामा। लेट मी गो हियर। 235/65 R17 108 ट्रेड देखते हो तो इट्स फार मोर नीटर देन द अदर वन। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट ट्रेड लाइन्स है, देर आर क्रिस क्रॉस वंस फॉर यू नो वाटर टू गेट आउट ईजिली और हाइड्रोप्लेनिंग ना हो। इट्स फार मोर यू नो ऑल्टर ओरिएंटेड, ऑफ रोड कहीं पर भी लेके गया इनकेस तो इट वुड सपोर्ट मी फार वेल। तो देखते हैं, आई मीन माइलेज बढ़ता है ऐसा सुना है, माइलेज का तो अब तक मैंने सोचा नहीं, बट लेट्स सी हाउ इट रन बिकॉज ये तो ऑलमोस्ट टकला होने के लिए है। व्हील बैलेंसिंग इन प्रोग्रेस। Stop.
प्रेस फिट है वो। तो ये अलाइनमेंट चल रही है इन प्रोग्रेस, अटैच द इंस्ट्रूमेंट्स। वहाँ पे दिखेगा वो सिस्टम पे कि अलाइनमेंट कैसे हुआ है, एंड इट्स ऑटोमेटिकली ट्विस्ट द टायर एंड ऑल। निकल रहा हूँ अभी, विद स्टार्टिंग द कार एंड चेकिंग हाउ द फील इज। व्हील अलाइनमेंट वगैरह भी हुआ है, सो थोड़ा सा वॉबल फील हो रहा था पहले, वो चला जा चुका है। ड्राइव काफ़ी स्मूथ हो चुकी है एज द प्रीवियस टायर वॉज यू नो वाइप्ड आउट। सो मेन रीजन था टू चेंज द टायर इज बिकॉज अभी एक लॉन्ग ट्रिप होने वाली है कार में, एंड फर्स्ट एक्चुअल व्लॉग विद माय हैरियर वुड बी कमिंग अप नेक्स्ट मंथ। इट्स स्टिल यू नो क्वेश्चन, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग वेयर आई एम गोइंग, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया इट वुड बी अराउंड 1000+ किलोमीटर्स, दैट इज वन साइड। रिटर्न करके 2000 अराउंड आ जाऊंगा। आई एम गोइंग ऑन अ राइड विथ माई फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स रहेंगे, 6 लोग जा रहे हैं। हाँ 6 लोग बैठ जाते हैं वैसे तो हैरियर में ईजीली, वो भी प्रॉब्लम आता नहीं है कुछ हैरियर पे, बिकॉज पहले भी जा चुका हूँ वैसे। पहले तो i10 में जाता था ऐसा, CNG कार में था, उसको तो पूरा भाई साहब पूरा यूज़ कर चुका था मैं, अराउंड 140,000 चलाई थी वो गाड़ी मैंने। अभी तो स्मूथ लग रहा है, भगाने के लिए रास्ता मिल नहीं रहा है, बिकॉज तब पता चला है कि यार कोई फ्रिक्शन का नॉइज़ आ रहा है कि नहीं। तो ले जाते हैं आगे, थोड़ा सा मजा लेते हैं। स्मूथ डिलीवरी हो गया बहुत, एंड ब्रेकिंग भी अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ब्रेक मारा हमें, ईजिली स्लो डाउन हो रही है। So yeah, I'm quite happy with how the car is performing right now after a tire change. So चलाया थोड़ी देर के लिए गाड़ी, it was on the internal routes, और थोड़ा सा old highway पे चलाया। अभी तो फीडबैक फिलहाल अच्छे से आ रहा है गाड़ी का, इट्स नॉट वॉबलिंग एनीवेयर, ब्रेकिंग अच्छे से सुधर गया, इट्स फीलिंग मोर ऑप्टिमम एंड कनेक्टेड टू द रोड नाउ। अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस इसका थरली मुझे जो ट्रिप है 5 डेज की तभी पता चलेगा। सो कभी ऐसे व्लॉग्स बनाता नहीं मैं, बट जस्ट ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड होपफुली आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो ये व्लॉग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज मी विनीत साइनिंग ऑफ। डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब द नोमैडिक ओडिसी। थैंक यू।